कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। सो आपका शक्तिपात हो गया है और आपको जो भी कुछ अनुभव हुआ या नहीं हुआ, इससे शक्तिपात के प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 30 मिनट के प्रोसेस में आपकी एक्चुअली में वो शक्ति जागृत हो गई है। अब ये शक्ति से क्या करना है वो हम आगे जानते हैं, क्योंकि रेकी एक ऐसी हीलिंग पद्धति है, रेकी ऊर्जा पे काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऊर्जा आप में होनी चाहिए, वो प्रभावित होनी चाहिए, आपके हाथों से उसका प्रभाव होना चाहिए, तब जाके आप उन हाथों को अपने ऊपर रखेंगे या फिर उन हाथों को किसी के ऊपर रखेंगे तो वहां पे हीलिंग होगी। रेकी आज से करना शुरू कर सकते हैं आप चाहे तो अपनी हीलिंग करें, चाहे तो आप दूसरों की हीलिंग करें। मतलब जैसे आपने कभी सुना हो कि रेकी जब भी आप शक्तिपात होती है या क्लास करते हैं उसके 21 दिनों तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब अपनी हीलिंग में, और उसके बाद ही आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता था पारंपरिक तौर पे। ऐसा अभी भी डिफरेंट क्लासेस में रेकी मास्टर्स बताते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी अगर शक्तिपात हो गई है, अगर आपके हाथों से रेकी का प्रवाह होता है, तो आप आज ही से हीलिंग करना भी शुरू कर सकते हैं, चाहे अपनी करें चाहे दूसरों की करें, लगातार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, और प्रभाव पड़ेगा और वो हमेशा सकारात्मक प्रभाव ही होगा। मतलब अगर किसी को सर में दर्द हो तो प्लीज उनके सिर में हाथ रख के हीलिंग दो। हाँ, छूटे ही ठीक नहीं हो जाएगा, आपको कुछ देर तक हीलिंग करनी है, जितनी देर तक आप रखेंगे उसी को हीलिंग बोलते हैं, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, आपको हीलिंग देनी पड़ेगी, तब जाके उसका प्रभाव शुरू होगा। आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, या फिर किसी को और किसी टाइप की प्रॉब्लम आती हो जो डायरेक्टली दिखता हो, दर्द होता हो, आप हीलिंग देना शुरू करें। ओके? और धीरे 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 आपको खुद का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, प्रभाव ज्यादा होने लगेगा और आप एक अच्छे हीलर बन जाएंगे। सो प्रैक्टिस आज से शुरू करेंगे। सो कैसे करना है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ओके? सबसे पहले हम हाथों को रगड़ेंगे। ऐसे जब भी आपको रेकी का प्रवाह करना शुरू करना है तो सबसे पहले ऐसे हाथों को रगड़ेंगे, दोनों हाथों को कुछ देर तक, सारी उंगलियों को दूसरे हथेली में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रगड़ेंगे, सारी उंगलियों में ऐसे थोड़ा थोड़ा रगड़ेंगे, हाथ को थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब हाथ हल्का सा गर्म हो जाए आप हाथ जोड़ेंगे और एक प्रार्थना के भाव से, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे आप किसी भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, और किसी को भी खुदा को मानते होंगे आप, तो उनसे आप जस्ट एक प्रार्थना के भाव से जस्ट उनसे संपर्क करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे, सारे रेकी मास्टर रेकी एनर्जी को भी थैंक यू बोलेंगे और रेकी को कहेंगे, हे रेकी शक्ति, मेरी लगातार उपचार के लिए प्लीज मेरे हाथों से बहो बहो बहो, मेरे अपनी हीलिंग के लिए मेरे हाथों से बहो बहो बहो। चूंकि एनर्जी लगातार बहेगी और आपके अंदर लगातार जाए, तो आप कह रहे हैं मेरी लगातार उपचार के लिए, मेरे अंदर आने के लिए मेरे हाथों से बहो बहो बहो। सिंपल, मतलब आपने सिर्फ रेकी को कहना है 3 बार मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और ये किसी भी भाषा में कह सकते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, जापानीज में, जर्मनी में, आप किसी भी भाषा में कह सकते हैं। इसमें सिर्फ भाव काम करता है, आपके जो इंटेंशन है वो काम करता है। यहाँ पे आपका इंटेंशन है अपनी हीलिंग करना। यही चीज अगर दूसरों की हीलिंग के लिए हो तो आप कहेंगे फलाना फलाना के हीलिंग के लिए मेरे हाथों द्वारा बहो बहो बहो। अगर आपको एक गिलास पानी चार्ज करना है तो आप कहेंगे इस एक गिलास पानी को चार्ज करने के लिए मेरे हाथों द्वारा बहो बहो बहो। मतलब जो प्रयोजन है वो कहेंगे और साथ में कहेंगे मेरे हाथों द्वारा बहो बहो बहो। बस ये आपको कर, तो आपने हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना कर ली, सबको थैंक यू बोला और रेकी को कहा, हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों द्वारा बहो बहो बहो, और आपके हाथों से रेकी बहने लग जाएगी। अब ये रेकी बह रही है, ये ऐसा फील हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू शुरू में कई बार आपका माइंड वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये रेकी शक्ति, दिव्य शक्ति हाथ से बह रही है। कई बार आप सेंसिटिव होंगे, आपको वो झंझनाहट, सरसराहट महसूस होगी, हाथ हल्का सा गर्म होगा, वो गर्माहट महसूस होगी, लेकिन कई बार नहीं पता चलता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ हीलिंग देना, अपने आप को दूसरों को दीजिए। ओके? और जब आप लगातार देते रहेंगे तो आपको वो रेकी का बहना भी पता चलेगा। कई बार आपको वो ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ बह रही है और अचानक बंद हो जाए, ऐसा भी होता है। जब हीलिंग सफिशियंटली हो जाए, मान लीजिए किसी को एक जगह पे हीलिंग दे रहे हैं, किसी को सिर में हीलिंग दे रहे हैं और 5 मिनट 10 मिनट से हीलिंग दे रहे हैं और लगातार आपको लग रहा है कि आपके हाथों से कुछ निकल रहा है, गर्माहट, कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि हाथों से रेकी नहीं निकल रही है, या आपको अपने आप ही पता चलेगा, तब आप हाथों को उठा सकते हैं।
क्योंकि उसके बाद वो एनर्जी जाएगी नहीं। तो रेकी एक बहुत ही बुद्धिमान एनर्जी है जिसमें अपनी एक इंटेलिजेंस है, तो ये जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे ज्यादा अच्छे से बहती है, जहां पे जरूरत ना हो तो बंद हो जाती है। इसीलिए कहीं कहीं पे आपको गर्म महसूस होगा, कहीं कहीं पे ठंडा महसूस होगा। ठंडा होने का मतलब वो एनर्जी नहीं ले रही है। यहाँ पे दो कारण हो सकता है, या तो वहां पे हीलिंग की जरूरत नहीं है, या तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा देर तक हीलिंग देने की जरूरत पड़ेगी, और कुछ दिनों बाद उस देर के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब हीलिंग अंदर जा रही है। तो ब्लॉकेज जैसे दूर होगा और एनर्जी लेने लगे तो हीलिंग फास्ट हो जाती है, रिकवरी फास्ट। तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। आप मेरा पूरा वीडियो मॉड्यूल देखेंगे तो आपको उसमें से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये छोटे छोटे वीडियो है सो दैट आपको जो छोटे छोटे पार्ट है वो आपके बाद क्लियर कर। सो ये रेकी इन्वोकेशन का है कि आप रेकी का आह्वान कैसे करें। रेकी निकल रही है, अब आप लगातार हीलिंग कर रहे हैं चाहे कहीं भी कहीं। हीलिंग करने के बाद एक टाइम आएगा जब आप हीलिंग को समाप्त करना चाहते हैं चाहे कहीं भी। मान लीजिए आप यहाँ पे चाहते हैं कि हीलिंग करते हैं और वहां पे आपको हीलिंग समाप्त करने की जरूरत है क्योंकि आपको कहीं जाना है, ऐसा हो सकता है। तो वहां पे आप बोलिए ये रेकी शक्ति मेरी लगातार उपचार के लिए यहाँ पे स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, वहां स्थापित करना है। जिस जगह पे आपको हीलिंग कंप्लीट करना है, समाप्त करना है, वहां पे आपने कहना है स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। अब आपके पास चॉइस है कि आप उस रेकी शक्ति को बंद करना चाहते हैं या फिर उसको बहने देना चाहिए चाहते हैं, क्योंकि बंद कर देने से वो बंद हो जाएगा और उसको बंद करना आसान है। आप चाहे तो उंगलियों को ऐसे हाथ को जोड़िए और उसके बाद जोर से भीजते हुए मन में भाव करें कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों द्वारा बहना बंद हो, बंद हो, बंद हो, ये बंद हो जाएगा। या फिर आप मुट्ठी को ऐसे भीजे और बोले कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों द्वारा बहना बंद हो, बंद हो, बंद हो, बंद हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी आप सुबह हीलिंग करके घर से बाहर निकलते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं तो रेकी को बंद मत कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पे रेकी को फैलने दीजिए। आप घर का काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप खाना पका रही हैं तो खाने में रेकी चला जाएगा। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस के फाइलों को छू रहे हैं या फिर कंप्यूटर को छू रहे हैं वहां रेकी चला जाएगा। आप दोस्तों से मिलते हो, कलीग से मिलते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो, उनमें रेकी फैल जाएगा। तो ये रेकी फैलने दीजिए, लगातार इसके बहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं है, ये तो कंटिन्यूअसली आपको कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से मिल रही है और वो आपको हील कर रही है। और इसका किसी और को भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान नहीं है। एक जगह पर मैं जरूर कहूंगा कि इसे बंद करना चाहिए, जब आप टॉयलेट या वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप जाए अंदर उससे पहले आप रेकी को स्टॉप बोलिए, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों द्वारा बहना बंद हो, बंद हो, बंद हो। आप अंदर जाए, वहां से हाथ धो के वापस आए, फिर से रेकी का आह्वान करें, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों द्वारा बहो, 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 और बहना शुरू हो गया। और फिर से काम पे लग जाओ। मतलब रेकी मैं इस तरीके से सिखा रहा हूं कि सिर्फ हीलिंग के लिए रेकी नहीं करनी, ये लगातार चलने वाली चीज होनी चाहिए। जैसे आपकी सांसें चल रही है, लगातार हो रही है, ऐसे ही रेकी भी लगातार चारों तरफ फैलेंगी तो आपको एक पॉजिटिव वातावरण मिलेगा। इस तरीके से रेकी का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे आह्वान ऐसे बंद करेंगे और चाहे तो आप इसे लगातार बहने दे सकते हैं। और लास्ट टाइम पे आपको वहां पे स्थापित करना है, तीन बार थपथपाना है, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ। नमस्ते एंड रेकी ब्लेस यू।